नमस्कार, मैं हूँ बेनजीर हाशमी और स्वागत है आपका देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिसमें बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ। फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। तमिलनाडु में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के घर के बाहर कर दी गई हत्या। 6 बाइक सवारों ने चाकू तलवारें मारकर वारदात को दिया अंजाम। चेन्नई में कार्यकर्ताओं का जोरदार हुआ प्रदर्शन। बसपा सुप्रीमो मायावती ने घटना पर जाहिर की नाराजगी, साथ ही तमिलनाडु सरकार से दोषियों को सख्त सजा देने की मांग। राहुल गांधी पहुंचे अहमदाबाद, विरोध में बीएचपी और बजरंग दल ने फूके पुतले। इस विरोध के बाद पुलिस ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। इलाके में तैनात की गई भारी फोर्स। भारी बारिश के कारण रोकी गई अमरनाथ यात्रा। उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाला हाईवे बंद, तो वही असम में अब तक 62 लोगों की हुई मौत। केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा का चौथा केस आया सामने। 14 साल का लड़का हुआ संक्रमित। अब तक 3 बच्चों की हो चुकी है मौत। नाक के जरिए शरीर में घुसता है ये अमीबा। देश में दिमाग खाने वाले अमीबा का संक्रमण बढ़ा। अब तक 22 लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना महामारी के बाद इस बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी। दिल्ली भाजपा ने विधानसभा चुनाव की तैयारी कर दी शुरू। रविवार को कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी तय करेगी रणनीति। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और अन्य महत्वपूर्ण सदस्य होंगे शामिल। बिहार में आकाशीय पिंड बिजली का कहर। 24 घंटे में 9 लोगों की गई जान। सरकार ने किया मुआवजे देने का इरादा। बात करें सोना चांदी की, तो सोना 710 बढ़कर 73,800 पर पहुंचा, तो वही 1 किलो चांदी 1,600 बढ़कर 94,800 में बिक रही। आपको बता दें 78,000 तक जा सकता है सोना। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। आज हरियाणा के करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, जहां उन्होंने जनसंवाद के दौरान लोगों की शिकायतें सुनी। दरअसल केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने करनाल में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में जनसंवाद कार्यक्रम किया, जिसके तहत उन्होंने करनाल विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जनसमस्याएं भी सुनी। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का झूठ, अफवाह और किसी भी प्रकार का हथकंडा नहीं चलेगा। साथ ही हरियाणा में बढ़ते अपराध पर पूछे गए एक सवाल पर मनोहर लाल ने चिंता जताते हुए कहा कि अपराध को रोकने में हमारी एजेंसियां लगी हुई हैं, खास तौर पर विदेशों से आने वाली कॉल जो अपराध हो रहे हैं, उन्हें भी विदेशी जांच एजेंसियों से तालमेल कर रोका जाएगा। बताते चले कि मनोहर लाल ने ये भी बताया कि आज सुबह कार्यकर्ताओं से मीटिंग की गई, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों की बात हुई है। उन्होंने कहा आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का झूठ, अफवाहें और किसी भी प्रकार का हथकंडा नहीं चलेगा और भाजपा कार्यकर्ता तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएंगे। हरियाणा सरकार ने कुलदीप बिश्नोई को फिर से झटका दे दिया है। दरअसल हिसार की आदमपुर नगर पालिका के दर्जे को लेकर विरोधियों ने कुलदीप बिश्नोई को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं कुलदीप के बचाव में उनके समर्थक खड़े हो गए हैं। आपको ये भी बता दें कि कुलदीप के खेमे का कहना है कि आदमपुर नगर पालिका का दर्जा खत्म करने के लिए ही सर्वे कराया जा रहा है और ये एक कानूनी प्रक्रिया है जिसका पालन सभी को करना होता है। बताते चले कि 2 साल पहले 2022 में सियास नगर पालिका का दर्जा भी सर्वे के आधार पर खत्म किया गया था। वहीं जिस सर्वे में 5,011 लोगों के सुझाव लिए गए थे, वहीं सरकार की ओर से नगर पालिका शुरू करने और खत्म करने दोनों का ही मामले में सर्वे कराए जाते हैं, ताकि कोई इसे कोर्ट में चुनौती ना दे सके। वहीं आदमपुर में भी ऐसा ही सर्वे कराया जा रहा है। इस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही आदमपुर नगर पालिका का दर्जा खत्म किया जाएगा। हरियाणा में चुनाव से पहले एक बार फिर इनेलो को बड़ा झटका लगा है। दरअसल 2019 में टिकट नहीं मिलने पर भाजपा से इस्तीफा देने के बाद श्याम राणा ने फिर भाजपा में घर वापसी कर ली थी। आपको ये भी बता दें कि जिसके कारण रादौर में विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर एक बार फिर से पैंच फंस सकता है। दरअसल इनेलो नेता व पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्हें सीएम नायब सिंह सहनी ने अपने आवास पर पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। बताते चले कि इनेलो ने राणा को मौखिक तौर पर रादौर से उम्मीदवार घोषित कर रखा था और वह पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव के पद पर तैनात थे। हालांकि इनेलो से पहले वे भाजपा में शामिल थे और 2014 में
विधायक भी चुने गए थे। इस मौके पर सीएम ने श्याम सिंह राणा को अपना घनिष्ठ मित्र बताया और कहा कि सभी नए साथियों को भाजपा में पूरा मान और सम्मान मिलेगा। हरियाणा में हाल ही में विधानसभा चुनाव होने हैं। दरअसल हरियाणा बीजेपी के नेता और 6 बार के सांसद राव इंद्रजीत को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी तेज हो गई है। राव इंद्रजीत भी इन दिनों हरियाणा दौरे पर है। आपको बता दें कि राव अहिरवाल की राजनीति को आगे बढ़ाकर सत्ता तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, जो खुद राव इंद्रजीत भी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इशारों में सीएम बनने की इच्छा जता चुके हैं। वहीं उन्हें केंद्र में कैबिनेट मंत्री ना बनाए जाने को लेकर भी विरोध सुर उठ चुके हैं। बताते चले कि राव की सीएम बनने की मांग अब हिसार में यादव सभा में उठाई गई है। यादव सभा के सदस्यों ने कहा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने में राव इंद्रजीत का बड़ा सहयोग रहा है। 2014 से लेकर अब तक राव इंद्रजीत के चेहरे के कारण दक्षिणी सहित तमाम हरियाणा में भाजपा को एक तरफा वोट मिले हैं। ऐसे में जनता अब चाहती है कि राव इंद्रजीत को हरियाणा की कमान सौंपी जाए। सदस्यों ने यह भी कहा कि केंद्र में 3 बार से बीजेपी सत्ता में है, ऐसे में कम से कम 2 बार ना सही मगर 3री बार तो कैबिनेट मंत्री बनना ही चाहिए था। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई में ही होंगे। ऐसे में कोई बड़ा उलटफेर ना हुआ तो सरकार बनने की सूरत में सैनी का सीएम कुर्सी पर दावा मजबूत रहेगा। अगली खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां झज्जर मकान का छज्जा भरभराकर गिर गया। इसके मलबे की चपेट में आकर 3 बच्चों की मौत हो गई। आपको बता दें कि तीनों मृतकों में 2 भाई और 1 उनकी बहन शामिल है। दरअसल मामला सीकरी गांव का है, जहां बरसात के कारण झज्जर मकान का छज्जा गिर गया, जो घटना शुक्रवार 6:30 बजे की बताई जा रही है, जहां कुछ बच्चे घर के बाहर छज्जे के नीचे खेल रहे थे, तभी अचानक से छज्जा उनके ऊपर गिर गया और बच्चे मलबे के नीचे दब गए। उनको किसी तरह बाहर निकाला गया, लेकिन तीनों की मौत हो चुकी थी। उनकी पहचान 12 वर्षीय आदित्य कुमार, 10 वर्षीय मुस्कान और 8 वर्षीय आकाश के रूप में हुई है। मृतक बच्चों का परिवार बिहार का रहने वाला है। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे फरीदाबाद के सेक्टर 58 थाना की पुलिस और पुलिस छानबीन कर रही है। फिलहाल सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए बादशाहगंज सिविल अस्पताल में मोर्चरी में रखवा दिया गया है, जहां आज उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।